नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर के तितावी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में मोबाइल, अवैध हथियार बरामद किए हैं। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह मुखबिर की सूचना पर एक गन्ने के खेत में कुछ हथियारबंद बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना मिलते ही SSP अनंत देव तिवारी के आदेश पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मात्रा को थाना तितावी के लालूखेड़ी क्षेत्र में, चौकी क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान है, जिसके यहाँ से रात्रि में गुम्मल लगा करके 55 मोबाइल फ़ोन्स चोरी कर लिए गए थे। ये लावा के और सस्ते वाले मोबाइल फ़ोन्स वहाँ से गए थे और उसमें लगातार प्रयासरत थी थाना पुलिस। और देर रात्रि में, आज और कल की देर रात्रि में कुछ जानकारी मिल रही थी कि तीन चोर हैं जो जिन्होंने चोरी की गई है, तो उनसे आज सुबह पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है और इन तीन चोरों से 16 मोबाइल फ़ोन जो कि चोरी में गए थे उनको बरामद किया गया है। बाकी के जो मोबाइल फ़ोन्स चोरी गए थे उन्हें भी बरामद किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों को, बदमाशों को, इनसे 16 मोबाइल फ़ोन्स, 2 तमंचे, कुछ कारतूस और एक चाकू भी बरामद हुआ है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। बाकी की कार्रवाई भी की जा रही है।